लॉकडाउन के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार पुलिस महकमे के साथ संवाद कायम किया और कोरोना महामारी में पुलिसकर्मियों की ओर से किए गए कार्यों को लेकर उनकी सराहना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 2 आईजी, 6 एसपी और 6 सीआई से कोरोना में योगदान को लेकर खास बातचीत की। तो वहीं जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, रामगंज एसीपी और महिला एसएचओ संतरा मीणा की सराहना करते हुए बातचीत की। सीएम और पुलिसकर्मियों के बीच में संवाद को लेकर संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अशोक गुप्ता से की खास बातचीत। कोरोना को लेकर के पिछले 2.5 महीने से पुलिस लगातार एक अनूठा योगदान दे रही है और साथ में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। इस पूरे अभियान के दौरान सीएम साहब ने आज एक संवाद करते हुए तमाम जो पुलिसकर्मी थे, जो पूरे पुलिस महकमे के, उन सबसे संवाद किया और उसके बाद उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। कमिश्नर भी उनमें से है और हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अशोक गुप्ता जी हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मीटिंग शुरू हुई उसके बाद किस तरह की जो फीडबैक लिया गया था, उसके बाद सीएम साहब से लगातार बातचीत हुई है, 3 घंटे मीटिंग चली है, किस तरह का धन्यवाद ज्ञापित किया है और पुलिस का जो रोल था वो किस तरह रहा? सर, आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसमें डीजी साहब से लेकर के कॉन्स्टेबल लेवल तक के लोग इसमें शामिल थे और सीएम साहब ने तीशह है उनसे बात की है, 1-to-1 बात की है और बहुत लोगों को बोलने का मौका दिया गया। उसमें हमारे जो जयपुर पुलिस कमिश्नर साहब हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी, एसीपी रामगंज, एसएचओ श्यामनगर, इन्होंने भी अपनी बात रखी और कुल मिलाकर के क्या कठिनाई आई, किस तरह से इस सारे कोरोना के अब तक के 2-2.5 महीने के समय को किस तरह से हमने क्या नए नए तरीके अपनाए, क्या वेलफेयर मेजर्स अपनाए, ये सारी चीज़ें रखी गई और सीएम साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, पुलिस के काम को अप्रिशिएट किया और उनका यही कहना था कि पुलिस को एक नया अवसर मिला है, पुलिस की इमेज जनता में बढ़ी है, इसको बरकरार रखें। और सीएम साहब ने साथ में चिकित्सा मंत्री जी और परिवहन मंत्री जी भी थे, उन्होंने भी और पुलिस के काम को काफ़ी सराहना की और पुलिस को बधाई दी। 1.5 लाख की फोर्स थी सर, लगातार कोरोना में लगी हुई थी, चिन्हित कितने लोग थे जिनसे बातचीत की है और जयपुर कमिश्नरेट के स्तर पर बात करें तो किन लोगों से डायरेक्ट मुखातिब? वैसे जयपुर कमिश्नरेट के तो एसएचओ से लेकर के कमिश्नर महोदय तक सब लोग वीसी में अलग अलग जगहों से जुड़े हुए थे, कॉन्स्टेबल्स भी थे और लेकिन बोलने का अवसर कमिश्नर साहब को, एसीपी रामगंज और एसएचओ श्यामनगर, इनको बोलने का अवसर दिया गया और संपूर्ण कमिश्नरेट की तरफ से इन्होंने अपनी बात रखी। सर, समस्याएं कुछ आई और अप्रिशिएट की बात करें तो कमिश्नरेट की किस तरह की भूमिका रही सर, किन किन स्तर पर काम किया गया, जो सीएम साहब को फीडबैक दिया गया जिसका, और उसमें से क्या कुछ नई चीज़ निकल कर गई? यही था कि जैसे शहर शुरू में जब ये शुरू हुआ कोरोना, रामगंज में जब केसेज बढ़ने लगे तो उस समय शुरू में काफ़ी समस्याएँ आई, लोगों का सहयोग प्रारंभ में थोड़ा कम मिला, लोग डरे हुए थे कि टेस्ट कराएं नहीं कराएं, कई तरह की भ्रांतियां थी, अफवाहें थी, तो जयपुर पुलिस ने आगे आकर के इन भ्रांतियों को, अफवाहों को दूर किया, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जिससे काम की गति आगे बढ़ी और जो रामगंज में जो केसेज आ रहे थे, आज 700 टोटल पॉजिटिव केसेज आए, आज 650 के आसपास जो नेगेटिव हो गए हैं और वर्तमान में मुश्किल से 30-40 पॉजिटिव केसेज हैं, तो ये सारी चीज़ें रखी गई। फिर हमने क्या काम किया, गर्भवती स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, भिखारियों के लिए, जो भी हमने काम किए हैं वो सारे वहाँ बताए गए और फोर्स के मोराल के बारे में बताया गया कि 26 लोग जयपुर कमिश्नरेट के पुलिसकर्मी अब तक पॉजिटिव हुए हैं, जिनमें से आज के दिन सिर्फ 2 पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हो गए हैं, तो फोर्स का मोराल भी अच्छा रखा है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। सर, सबसे ज़्यादा चुनौती देखने को मिलेगी कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म होने वाला नहीं, मगर एक आशंका सबसे ज़्यादा बढ़ गई है अपराधों के बढ़ने की, क्योंकि 2.5 महीने का वक्त है, कई लोग बेरोजगार भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपराध बढ़ने की जो आशंका है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्या उस पर कहीं कोई चिंता जाहिर की है और अगर चिंता जाहिर की है तो उस पर किस तरीके से वो टास्क दिया गया है कि पुलिस उससे निपटे? ये बात सीएम साहब ने रखी है कि चूँकि अब लॉकडाउन लगभग खुल गया है, अनलॉक हो गया है, तो उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि अपराध बढ़ सकते हैं, तो उनका यही निर्देश था कि न केवल हमें अभी तक कोरोना से अभी और लड़ना है, क्योंकि अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, तो अभी ये काम ये भी बरकरार रहेगा और दूसरी ओर अपराध नियंत्रण की चुनौती भी है,
तो दोनों चीज़ों को करना है, ये सीएम साहब का निर्देश है। आखिरी सवाल सर, पुलिस को किस तरह की सौगात दी है सर एक रोडवेज पास की, कितना ज़रूरी हो जाता है सर? हाँ नहीं, काफ़ी अच्छा उन्होंने एक घोषणा की है रोडवेज पास के बारे में, इसी तरह से जवानों के सालाना मेडिकल चेकअप के बारे में, तो ऐसी कई घोषणाएं सीएम साहब ने की हैं, तो ये स्वागत योग्य हैं। बिल्कुल, ये थे अशोक गुप्ता जी जो बता रहे थे कि कोरोना के काल में जिस तरीके से पुलिस ने एक अनूठी भागीदारी निभाई वो वाकई काबिले तारीफ़ है। एक अनूठी जो सौगात दी है वो दी है रोडवेज के पास की, इसके अलावा पुलिस कर्मियों का सालाना मेडिकल चेकअप किए जाने की। मगर सबसे ज़्यादा जो अहम अब जो चिंता वो है कोरोना के बाद जो बढ़ने वाले जो अपराध है उस पर भी कहीं ना कहीं अब पुलिस है सीएम साहब के निर्देश के बाद में उन पर लगाम कसने की उन्होंने तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन जस्ट माथुर के साथ यादव शर्मा, A1 TV न्यूज़।